बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा था वार्म अप का, आपको कैसा लगा बच्चों आपने कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखो, क्योंकि और इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आपको आएगा, राइट, अबाउट सेल फोन के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए तो आज हम कवर करने वाले हैं एडिशंस ऑफ फोर डिजिट्स नंबर। तो फोर डिजिट के जो नंबर्स हैं ना उनको कैसे ऐड करते हैं वो आपको आज के एक्सरसाइज में सीखने को मिलेगा। सो अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दे रखे 5433 एंड 1522 दिया है, तो आप इनको अरेंज, बहुत बच्चों को अरेंज करने में प्रॉब्लम आता है, तो अरेंज द एडेंस इन द कॉलम फ्रॉम द एडिंग कॉलम वाइज, राइट। तो इस तरीके से आप इसको पहले क्या कीजिए, वंस, टेन, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, इस तरीके से आप इनको कॉलम में अरेंज कर लीजिए, राइट। वंस के जगह पे वन लिखिए, टेन के जगह पे टेन, हंड्रेड के जगह हंड्रेड, थाउजेंड के जगह पे थाउजेंड, सेम उसी तरीके से। फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले वंस को ऐड करते हैं, एडिंग वंस, ठीक है। उसके बाद टेन को ऐड करते हैं, फिर हंड्रेड को ऐड करते हैं, फिर थाउजेंड को ऐड करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है ऐड करने का, जैसे कि आप अच्छे से, कोई मिस्टेक नहीं होगा आपकी, और आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया, ठीक है। सेम बच्चों एग्जांपल नंबर टू में है, यहाँ पे देखो 3437 है, 4689 है, तो इनको आप ऐड करेंगे। तो आप इस तरीके से पहले आप कॉलम ज़रूर बना लेना, जिसे कि आपको मिस्टेक नहीं आएगा। और यहाँ पे स्पेस इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे तो कैरी नहीं था, यहाँ पे कैरी है, तो देखो इसका कैरी वन इसमें ऐड हो जाएगा, इसका कैरी आ रहा है तो इसमें आ जाएगा, इसका कैरी इसमें आ जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कैरी वाले क्वेश्चन में, राइट। तो देखो इसको ऐड करोगे तो क्या हो गया, 8126 आ गया। तो बहुत इजी और क्लियर रहता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि कई बच्चे एकदम जो उनकी राइटिंग होती है ना वो अच्छे से क्लियर नहीं करते, तो आप इस तरीके से टेबल बना के करना, है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड का, तो बहुत अच्छे से क्लियर समझ में। 895, 5675 एंड 2589, तो यहाँ पे देखो तीन नंबर्स। तो बच्चों दो नंबर हो या तीन नंबर हो या चार नंबर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी क्या करना है आपको, टेबल बना लेना है। टेबल में हाँ बढ़ सकता है, जैसे यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ जाएगा, जैसे वंस आपको पता है, टेन पता है, हंड्रेड पता है, थाउजेंड पता है, टेन थाउजेंड है, फिर एक बढ़ेगा तो लाख होगा, फिर टेन लाख होगा, फिर करोड़ होगा, फिर टेन करोड़ होगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, सिर्फ ये टेबल बढ़ेगा। और ये पैटर्न यही रहेगा कि वंस की जगह पे वन ही लिखना है, टेन के जगह पे टेन लिखना है, हंड्रेड के जगह पे हंड्रेड ही लिखेंगे, थाउजेंड के जगह पे थाउजेंड ही लिखेंगे, है ना। सेम बी पार्ट के भी आप ऐसे ही करेंगे, सी पार्ट के भी ऐसे करेंगे, अगर डी भी देगा तो पर भी आप ऐसे करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों के मिस्टेक नहीं होता। जैसे अभी यहाँ पे देखो ये है, तो इस तरह में क्या होता है, कई बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं और इसमें मिस्टेक नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये वाला मेथड काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को भी, राइट। पर्सनली मैं जब पढ़ाता हूँ तो पर बच्चों को बताता हूँ कि इस तरह से आप करो, तो आपको क्या होगा कि अच्छे से आप एक्यूरेट डिजिट को ऐड कर पाओगे या आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, राइट। समझ आ रहा है। चलिए तो ये आपको बेसिक्स था, चलिए अब मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस 3A में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ और सॉल्व करता हूँ। सो हेयर आपको कह रहा है कि ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है, ये तो बहुत बेसिक लेवल का ऐड है, तो आप अच्छे से कर पा रहे होंगे, है ना। ये सिंपल ऐड है बच्चों, मैंने यहाँ पे कर रखा है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप यहाँ पे देख के भी कर सकते हो या वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो, और साथ साथ जरूर करो। जब बोला जाता है कि आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो तो आपको करना चाहिए, राइट। जैसे कि आप क्या होगा कि आप उन चीज़ों को समझ पाओगे कि टीचर्स क्या कह रहे हैं, तो वो जरूर आप करना, है ना। देखो थ्री और थ्री को ऐड करोगे सिक्स आ जाएगा, फोर वन क्या होगा, फाइव, फाइव टू सेवन और सिक्स थ्री क्या होगा, नाइन, तो इस तरीके से ऐड। कई बच्चे क्या करते हैं कि इस साइड से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, तो ये गलत होता है। कभी भी बच्चों ऐड होता है ना, यूनिट प्लेस से स्टार्ट होता है, यूनिट का पहले ऐड करो, फिर टेन, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, इस तरीके से चलता रहता है। तो आप यहाँ से ऐड कीजिए, इसको ऐड करने के बाद ये आ गया, देखो टू टू फोर, थ्री वन आ गया, फोर फाइव नाइन आ गया, सिंपल है। सेम इस तरीके से एडिशन कीजिएगा एज अ टीज है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो कि थ्री डिजिट है, बाकी ये सेम है, यहाँ पे देखो थ्री डिजिट है, तो आपको क्या करना है, थ्री, आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, वंस लिख सकते हो, टेन लिख सकते हो, हंड्रेड लिख सकते हो, थाउजेंड लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस कम था, तो आप ऐसा होता है, इस तरह से फॉर्मेट बना लीजिए, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियरिटीज आ जाएगा समझ में। सेम यहाँ पे थ्री नंबर्स के हैं, यहाँ पे भी थ्री नंबर्स के हैं, यहाँ भी थ्री नंबर्स के, सेम थ्री नंबर्स के,
तीन नंबर्स के। तो इस तरीके के ऐड में तो बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं आता है। प्रॉब्लम आता कहाँ है बच्चों, वो आप देखो। आपको ये जो है ना वर्ड प्रॉब्लम, जो क्वेश्चंस है ना वर्ड प्रॉब्लम है, बच्चों को वर्ड स्टेटमेंट लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये तो बहुत ईजी है, बहुत अच्छे हैं, तो आप आसानी से कर लेंगे, सिंपल है, कैलकुलेशन है, ऐड करके आप लिख लेंगे। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में ऐड करके तो लिख लेते हैं सर, लेकिन जो स्टेटमेंट है ना वो स्टेटमेंट में अच्छे से लिख नहीं पाते। तो वेट बच्चों, मैं आपको स्टेटमेंट के साथ सॉल्यूशन कराऊंगा। सो अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में जो है, सेकेंड क्वेश्चन है ना, अ बी कीपर्स, राइट, कह रहे हैं अ बी कीपर्स मेंटेन्स टू बी हाइव्स देयर्स वर्ड्स ऑफ 1256 ड्रोन बीज इन वन हाइव्स, राइट, एंड 2532 ड्रोन बीज इन अदर्स हाइव्स। हाउ मेनी ड्रोन बीज वर इन द हाइव्स ऑल टूगेदर। मतलब कह रहा है कि एक बी कीपर्स है, मेंटेन टू बीहाइव्स, और वो दो बीहाइव्स को मेंटेन करता है, जिसके अंदर एक के अंदर कितने बच्चों, इतने ड्रोन बीज हैं, एंड दूसरा जो है उसके अंदर कितने हैं बच्चों, 2532 बीज हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ड्रोन बीज वर इन द हाइव्स ऑल टुगेदर, दोनों मिलाकर के कितने बीहाइव्स हैं। तो चलिए मैंने इनको एक स्टेटमेंट की तरह सॉल्व कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख के समझ पाएंगे और अच्छे से लिख भी पाएंगे। तो कीपर्स हैव टू बीहाइव्स, ठीक है, कि जो बी कीपर्स थे उनके पास दो मतलब मधु मक्खी पालन करने वाले जो शहर में होते हैं ना उनको बोलते हैं, तो वो बीहाइव कर रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि वन बीहाइव्स हैव्स 1256 ड्रोन बीज, ठीक है, एंड अदर्स में कितने, इतने। तो दोनों को टोटल नंबर ऑफ बीहाइव्स दोनों को हमने ऐड किया, और जब ऐड किया तो क्या आया, 3788, और ये आपके आंसर्स हुए। और इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट भी लिखने हैं, राइट, जिससे कि अगर आपको ये टेस्ट में पूछा जाता है 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, तो इतने मार्क्स आपको मिल जाए। स्टेटमेंट बहुत कंपलसरी है, ओके। चलिए अब देखिए थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। द एनुअल स्कूल फी फॉर अ मिस्टर गर्ग डॉटर इज 24,650 है। His son annual school fee is 1,315 more than, अच्छा, और उसका जो son है ना, उनके son से, मतलब जो son का है उनके daughter से जितना है उससे एक 1,350 ज़्यादा है। Then the daughter's fee, तो उसका daughter का fee कितने है, अरे how much school fee does he pay his son and how much does he pay altogether for the both। सिंगल के लिए भी पूछा जा रहा है, डबल के लिए भी पूछा जा रहा है। तो देखो एनुअल्स जो कह रहा है कि द एनुअल स्कूल फी ऑफ द मिस्टर गर्ग डॉटर्स का कितना है, 24,000, राइट, क्या है बच्चों यहाँ पे, ये रुपीज का सिंबल है बच्चों, यहाँ पे रुपीज है, तो 4,650 है, 4,650 है। तो उसका सन का कह रहा है कि जितना उसके डॉटर का उससे ज्यादा है 1,350, तो राइट, तो हमने यहाँ प्लस कर दिया। तो जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, 5,965, ये हमारा क्या होगा, आंसर्स निकल के आ जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गया, ये पहला पार्ट हुआ। अब कह रहा है कि दोनों मिला करके कितना हुआ, तो देखो उसका सन का क्या हो, 5,965 रुपीज आ रहे हैं, और उनके जो डॉटर का है वो 4,650 जा रहे हैं, तो दोनों मिला के कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल फी पे बोथ चिल्ड्रेंस, राइट, तो दोनों के ऐड कर दो तो 10,615 आपका क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा क्वेश्चंस थर्ड का। तो थर्ड के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गया, स्टेप भी समझ में आ गया है ना, किस तरीके स्टेटमेंट लिखने, ये भी क्लियर आ गया समझ में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, राइट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपके यहाँ पे सामने दिख रहा है। देखो अ फार्मर क्या है, अ फार्मर पिक्ड 6,820 एप्पल्स, 3,589 पिच एंड 1,733 मैंगोज फ्रॉम हिज फार्म, राइट, हाउ मैनी फ्रूट्स वर इज कलेक्ट इन ऑल, राइट, तो टोटल मिला के कितना उन्होंने कलेक्ट किया। तो देखो एप्पल्स इतना किया, पिच इतना किया और मैंगोज, तो तीनों को क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट स्टेटमेंट चाहिए ना, तो स्टेटमेंट तो लिखने में दिक्कत होती है बच्चों को, तो स्टेटमेंट के लिए मैं आपको यहाँ पे देखो लिख रखा है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स पिक फार्म इन अ फार्मर इन अ फार्म्स कितना, 6,820, ठीक है,
सेम वही पैटर्न है, यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा, तो 3589 लिखिए। फिर मैंगोज का है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ओके। एंड टोटल्स नंबर ऑफ फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हो जाएंगे, 12,142, ये आपके टोटल्स फ्रूट्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन फोर्थ अच्छे से क्लियर हो गया स्टेटमेंट के साथ। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहा है, एट इट्स डिपोजिट द इंडियन ओशंस, अच्छा एट इट्स डिपेस्ट मतलब गहरा, डिपेस्ट मतलब गहरा, द इंडियन ओशन इज 7,906 मीटर्स, द पैसिफिक ओशन इज 3,088 मीटर डिपर, देन दैट हाउ डीप इज द पैसिफिक ओशन डेप। अच्छा देखो इंडियन ओशन जो है बच्चों वो कह रहा है कि 7,960 मीटर डीप है, लेकिन इससे भी ज्यादा डीप है पैसिफिक ओशन, कितना 3,088 मीटर, 3,088 इससे ज्यादा, तो ऐड कर दीजिए, राइट। सो इंडियन ओशंस डीपेस्ट इतना है, पैसिफिक ओशंस मोर देन है, इतना मोर देन है, तो मतलब क्या होगा, इसको ऐड कर देना। तो 7,960 में 3,088 ऐड करेंगे तो 10,994 मीटर्स क्या होगा, ये डिपेस्ट हो जाएगा, समझ रहे बात को, ये क्या हो जाएगा, इतना डिपेस्ट हो जाएगा, इतने ज्यादा गहरा है कौन, पैसिफिक ओशन, यानी एक्चुअल डेप्थ की बात कर लें, एक्चुअल डेप्थ की बात कर ले बच्चों पैसिफिक ओशंस का, तो कितना होगा 10,994 मीटर, क्लियर, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 6,754 इंक पेन एंड 3,598 बॉल पेन इन अ मंथ, हाउ मेनी पेन्स डिड द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर इन अ मंथ। अच्छा देखो कह रहे कि एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, एक फैक्ट्रीज है जो 6,754 इंक बना इंक पेन बनाता है, ओके ठीक है, एंड 3,500 इतना बॉल पेन बनाता है एक मंथ में, तो दोनों मिलाकर के कितने हुए, तो सिंपल सी बात है, वी नीड टू ऐड, राइट। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स नंबर ऑफ इंक पेन, इंक पेन जो है वो 6,754 बनाया और बॉल पेन जो है 3,598 बनाया, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, और जब ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 10,352 टोटल एक मंथ में उन्होंने कितना किया, 10,352, यानी 10,352 पेन्स उन्होंने क्या किया एक मंथ में, वो फैक्ट्री ने कंप्लीट बनाया, राइट। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया होगा, इसी के साथ ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं और ये एक्सरसाइज भी आपके कंप्लीट होते हैं। तो आई होप ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस थे आपको अच्छे से समझ में आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, जो आपके दोस्त भी आपके ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें फंसे ना, और अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से सॉल्व करें, ओके। टेक केयर्स एंड बाय बाय।